खबर गाडरवारा से। नरसिंहपुर से ऑपरेशन प्रहार के तहत गाडरवारा पुलिस की नशे के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी। 60,000 रुपए कीमती अवैध मादक पदार्थ, 6 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद, आरोपी गिरफ्त में। पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर के द्वारा जिले में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में लिप्त अपराधियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है, जिसके चलते पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर अमित कुमार के मार्गदर्शन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर नागेंद्र पटेरिया एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गाडरवारा रत्नेश मिश्रा के निर्देशन एवं थाना प्रभारी गाडरवारा उमेश तिवारी के नेतृत्व में 10/5/24 को थाना गाडरवारा की पुलिस टीम संदेह के आधार पर घेराबंदी कर पुलिस टीम द्वारा आरोपी महानंद पता कार्तिक सकदार उम्र 45 वर्ष निवासी MV 83 जादूगुड़ा जिला मलकानागिरी उड़ीसा का होना बताए जाने वाले आरोपी को गाडरवारा पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई, जहां आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर गवाहों के समक्ष उनके कब्जे से 6 किलो 200 ग्राम अवैध मादक पदार्थ, गांजा की कीमती करीब 60,000 रुपये जब्त की। जाकर आरोपी को मौके पर ही विधिवत गिरफ्तार किया गया, जुडिशियल रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक को उड़ीसा से महानंद पिता कार्तिक सिकदर जादगुड़ा जिला मलकागिरी उड़ीसा को 6 किलो 200 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी उपरांत NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जाकर माननीय न्यायालय में आरोपी को पेश किया गया है, जहां से उसको जेल भेज दिया गया है। खबर भारतवर्ष के लिए गाडरवारा नरसिंहपुर से ब्रजेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।